धरती पे वो काम करेगा समाज का काम करेगा खुद का तो करता ही है मगर समाज देश को सामने रखकर अपने ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना ऐसी सब आज बात हुई है इसलिए मैं समझता हूं ये दो दिन का जो का कार्य संगोष्ठी है उसमें से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी सोच रखकर अच्छा सा ऐसा निकलेगा कई बार कहता है ना कि छत जो होती है छत उसको घुमा घुमा कर उसमें से मक्खन निकलता है मक्खन के बाद घी निकलता है और घी कितने शारीरिक रूप से आरोग्य को कितना काम आता है उसी तरह मैं समझता हूं कि दो दिन की गोष्ठी में से ऐसा कुछ निकलेगा और हमारा भविष्य विकसित भारत बनाने की प्राइम मिनिस्टर का जो कल्पना है उसी तरह हमारा भारत निकलेगा ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम निर्माण कार्य से संबंध शिक्षाविद विचारक कुलगुरु प्राध्यापक और केंद्रीय अध्ययन मंडल के पदाधिकारियों का मध्य वैचारिक चिंतन के लिए कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है मुझे खुशी है कि कार्यशाला में यहाँ जो मेरे को बताया गया सिक्सटी जैसे विश्वविद्यालय के कुल गुरु और पांच सौ से ज्यादा शिक्षाविद और विचारक शामिल हो रहे प्रदेश के कुलाधिपति के रूप में भारत की श्रेष्ठ न्याय परंपरा की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चिंतन के लिए पधारे आप सभी महानुभावों का भोपाल में आप सबका प्रथम नागरिक के रूप में स्वागत करता हूं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि यहां तो प्रकोष्ठ बनाने की भी आज बात हो गई और उच्च शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के मंत्री थे पहले वो ही मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो हमारा प्लस पॉइंट है ऐसा समझो मैं तो कभी कभी बोलता हूं तो आप तो भगवान से डायरेक्ट डायलिंग वाले आदमी हमको मिल गए मध्य प्रदेश का प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समुद्ध रही है फिर चाहे वह भारतीय दर्शन का सापेक्षिकता का सिद्धांत हो प्लास्टिक सर्जरी शून्य की खोज ज्योतिष और आयुर्वेद का चिकित्सा विज्ञान सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है या सुना है विश्वविद्यालय यहां पहले थी और आज सब वहां जाते हैं देश को छोड़कर भारत का प्राप्त ज्ञान से अरब यूरोप मध्य एशिया पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में गणित ज्योतिष खगोल चिकित्सा अध्यात्म आदि ज्ञान का प्रसार हुआ है इसी गौरव को प्राप्त करने भारत को विश्व गुरु बनाने 21वीं सदी के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम और लक्ष्य पीढ़ी तैयार करने और राष्ट्र जागरण का महायज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसकी पवित्र आहुति नीति के मनसा अनुरूप पाठ्यक्रम है मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश का भविष्य लिखने युवा शक्ति को दिशा देने के विकास के कोण को आकार देने का महान अभियान है राष्ट्र की युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक और परिवर्तन की लाभार्थी होती है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय युवा के करियर का भविष्य के निर्माता है राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने वाली अमृत पीढ़ी तैयार करने के जरूरी है कि शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों के न्यानवान और हुनरमद बनाए शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली तथा भविष्य के मुद्दों से निपटने की सामाजिक सरोकरों में सहभागिता और मोबाइल फोन से परे दुनिया की खोज करने की तरीके सुझाए इसके लिए शिक्षक उनके रोल मॉडल है पाठ्यक्रम में भारतीय समाज के जीवन मूल्यों सांस्कृतिक गौरव मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले नायक नायिकाओं के बलिदान संघर्ष और संविधान के समावेशी समामूलक व्यवस्थाओं की मंशा को सम्बोधित किया जाना चाहिए अभी चार पांच दिन पहले ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय में ऐसी एक गोष्ठी थी बहुत से ऐसे क्रांतिवीरों थे जन नायकों थे उसको भी पाठ्यक्रम में किसी तरह समाना चाहिए कि बच्चे को मालूम पड़े कि हमको हमारे देश के लिए इतने पूर्वजों संघर्ष में चले गए सर्वस्व बलिदान देके चले गए हमारी भी उनके पर कोई हम उसके अनुकरण कर सके उसका उनमें भाव आना चाहिए बहुत जरूरी है कार्यशाला में विद्यार्थियों के रचनात्मक सृजनशील आलोचनात्मक अनुसंधानत्मक प्रवृत्तियों नवाचार साथ की उद्यमशीलता को निखारने और शिक्षा की रोजगार प्रवक्ता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन किया जाना चाहिए प्रतिभागियों के डिजिटल सशक्तिकरण शोध नवाचार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता और सुशासन के अच्छे अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिलना चाहिए आशा है कि कार्यशाला में शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वैचारिक मंथन के अनुरूप अमृत रूपी सुझाव और विचार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयासों में मार्गदर्शिका तैयार करने में सफल होगा मैं ऐसे ये गोष्ठी से अपेक्षा भी करता हूँ ये शिक्षा डिग्री तो देगी अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा मगर बच्चे का जीवन घड़तर है वो बहुत जरूरी है नीचे से लेकर आंगनवाड़ी से बाल मंदिर से लेकर आपके पास जो आए बच्चे चार पांच साल रहने वाले हैं कभी कभी अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा करते हैं छोटे छोटे मुद्दे आते हैं परीक्षा से आगे रात दिन पढ़ो रात दिन पढ़ो आखिर के समय में तबियत बिगड़ी और परीक्षा देने नहीं गए कितना स्वस्थ रहना कितना घंटा पढ़ना चाहिए समय पर क्या क्या आपकी जीवन क्रिया है वो करना चाहिए आजकल समाज में बहुत से आप पेपर में आते हैं कई स्टोरी पढ़ने मिलती है समाज का इतना शिक्षित होते हुए भी इतनी समझ होते हुए भी एक पेपर खराब गया तो आप अवघत कर लिया क्या जीवन एक पेपर घर गया तो एक साल गया तो जीवन हर गए क्या बच्चे को उसी तरह तैयार करना चाहिए समाज में कई व्यवस्था ऐसी है उसमें भी छोटे छोटी बात ऐसी आती है कि बच्चे या तो समाज का पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने परिवार में कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चे को अच्छी तरह संभाल रहा है क्या बच्चे के सामने क्या माँ बाप को बात करना है क्या नहीं करना बच्चे में जो चला जाता है बच्चा ग्रास्पिंग पावर इतना है बच्चे में एक बार सुन लिया तो दिमाग में आ जाता है माँ बाप का जो वर्ण ऐसा व्यवहार करना चाहिए हमारे को बच्चे के सामने हम करो को बच्चा अच्छी तरह हो जाए परीक्षा के में थोप देना ऐसा नहीं है मगर उनकी रुचि समझो क्या है उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसी तरह उसको तैयार करो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता मगर कई बार दस दस साल हो गए शादी के पंद्रह साल हो गए दो तीन बच्चे हो गए डाइवर्स हो जाता है पढ़े लिखे लोग अरे बच्चे का क्या होगा वो तो समझो उनका काश किसके पास रहना है माँ बाप के पास माँ के पास रहना है, है, है पिताजी के पास रहना है बच्चा क्या करेगा उसका इसका जीवन कैसा रहेगा मां बाप नहीं सोते छोटी सी बात हुई उसमें से ऐसा महाभारत शुरू हो गया और डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं ऐसे मैं ज्यादा बात नहीं करता मगर समाज में से जब भी जभी मैं जाता हूँ देखता हूं पढ़ता हूं तभी मेरे को लगता है कि बच्चे को डिग्री तो मिल गई बौद्धिक शक्ति तो उनको मिल गई मगर उनका जीवन का घड़तर हुआ है क्या इतने सारे कुलगुरु ने सारी शक्तियां बच्चे पर लगा दी फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि भारत माँ के कार्य में विघ्न डालता है भारत भूमि की जो लालन पालन हुआ है उसको जहाँ जरूर पड़े कहीं ऐसे वीर क्रांतिकारी परिवार का नहीं सोचा उन्होंने देश का सोचा और देश के लिए फना हो गए उसी तरह हमको ये नागरिक को तैयार करना है इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो सभी का जो बौद्धिक हुआ उसमें से बहुत कुछ निकलता है और आप दो दिन इसमें बहुत से आप ही जो आपने कुदरत ने दिया हुआ है जो शिक्षा है उसमें से बहुत अच्छा निकलेगा मैं समझता हूँ यह संगोष्ठी को 100 परसेंट सफलता मिले ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ आभार भारत माता की जय